नमस्कार, आप सभी के एक बार फिर से स्टडी मेंटर में स्वागत है। पिछले जो 8 टेस्ट हुए हैं उसमें हमने जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स थे साइकोलॉजी के, उस पर काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमने किए और साथ के साथ उससे रिलेटेड जो डिस्क्रिप्शन हो सकती थी उन सब पे हमने काफ़ी डिस्कशन भी किया। और जैसा मैंने पिछली कक्षा में भी बोला था कि हम सिद्धांत पे अब काम करना शुरू करेंगे धीरे धीरे, तो जितने सिद्धांत या विचारधारा दी गई है उससे संबंधित जो प्रश्न बन सकते हैं वो हम आज से शुरू करने वाले हैं। और एक क्लास जो मैंने बोला था कि सिद्धांत को, जो सारे सिद्धांत हैं उसको एक जगह कॉलेक्ट करके जो केवल थ्योरी थ्योरी उसमें हम करेंगे, जो कि एक स्पेशल क्लास जो के नाम से ही वो डाला जाएगा अलग। और आज जैसे हम करेंगे वो होगा कि उससे रिलेटेड जो थ्योरीज पे क्वेश्चन बनते हैं या जो थ्योरी सेक्शन है, जो जो विचार दिए गए अलग अलग विद्वानों के द्वारा या शिक्षा के अधिकार से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, संवैधानिक प्रावधान क्या थे, इन सब से रिलेटेड जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, उस पर हम क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे। आज इसमें 12 क्वेश्चन होंगे, उसमें उसके साथ साथ क्वेश्चंस के अलावा जो है जहाँ जहाँ पे आवश्यक डिस्क्रिप्शंस होगी उस पे हम डिस्क्रिप्शन पे भी बात करेंगे, जो उससे रिलेटेड चीज़ें हैं उस पे भी हम चर्चा करेंगे, ताकि केवल 12 नहीं उससे 40-50 क्वेश्चन जो है आपके कवर होने की कंडीशन हो जाती है, आप उतने क्वेश्चन करने की स्थिति में आ जाते हैं। ठीक है, तो क्वांटिटी नहीं, हम क्वालिटी के साथ एजुकेशन करेंगे ताकि जो है आपकी क्वालिटी इंप्रूव हो और कॉन्सेप्ट जो है बेहतर डेवलप हो, ताकि जब भी क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है अटेंड कर सकें। ठीक है, जो थ्योरी वाले पार्ट है उस पर जो रिलेटेड फैक्ट्स हैं उस पर जो है ग्रुप में भी पोस्ट डाली गई है, हमारे ग्रुप मेंबर है अजय जी, उन्होंने डाला है इस पर एक जो है एक लगभग 150-200 क्वेश्चंस के जो है कलेक्शन को एक साथ उन्होंने वहाँ पे पोस्ट किया है, आप वहाँ से सीटेट मेंटर से भी उसे कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज हम शुरू करेंगे आगे के क्वेश्चंस जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, और चलिए शुरू करते हैं। पर उससे पहले जो, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, नीचे जो है सब्सक्राइब का यहाँ पे बटन होगा उसे आप क्लिक कर दें ताकि जो है आपको रिसेंट अपडेट मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, बुद्धि के बहुआयामी सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? एजुकेशन पे बहुत सारे थ्योरी दिए गए हैं, जैसे कि एक तत्व का या एक कारक का सिद्धांत है, त्रितत्व सिद्धांत है, त्रिआयामी सिद्धांत है, त्रितंत्र सिद्धांत, के अलावा बहुआयामी सिद्धांत भी है जो कि अभी इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, तो इन सब में जो है प्रतिदर्श का भी सिद्धांत है, तरल व ठोस सिद्धांत भी है, तो ये बहुत सारे सिद्धांत दिए गए, उसमें से एक सिद्धांत है बहुआयामी सिद्धांत। ठीक है, तो ये सिद्धांत किस विद्वान के द्वारा दिया गया है जो बुद्धि के बहुआयामी सिद्धांत के प्रतिपादक भी हैं, तो वो कौन सा विद्वान है इनमें से जिसने बुद्धि के बहुआयामी सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? ठीक है, पहला ऑप्शन है स्पीयरमैन, दूसरा ऑप्शन है थॉमसन, तीसरा है गार्डनर, चौथा है जीन पियाजे, इसमें से कौन सा राइट आंसर है बताइए, आपको क्या लगता है इसमें से कौन सा राइट आंसर है? चलिए शुरू करें। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो है सी, गार्डनर के द्वारा जो है ये सिद्धांत दिया गया है, मतलब कि बुद्धि के बहुआयामी सिद्धांत के प्रतिपादक गार्डनर है। स्पीयरमैन ने द्वितत्व या द्वि कारक का सिद्धांत दिया था। ठीक है, थॉमसन खैर इसमें नहीं है, पर जीन पियाजे जो है, जीन पियाजे तो खैर सभी जानते हैं कि वो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो है उन्होंने डेवलप किया था जीन पियाजे ने, तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत अगर कहीं आता है तो इसके प्रतिपादक जीन पियाजे हैं। स्पीयरमैन द्वि तत्व या द्वि कारक, जो बुद्धि के द्वि तत्व के प्रभाव होते हैं उससे रिलेटेड जो सिद्धांत है वो स्पीयरमैन ने दिए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जीन पियाजे द्वारा संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई गई है? जो संज्ञानात्मक विकास होगा उसकी कितनी अवस्थाएं जीन पियाजे के द्वारा बताई गई है? ए है 4, बी है 3,
सी 6, डी है 1 या 1, बताइए कौन सा अप्रोप्रिएट या राइट आंसर है। चलिए इसके जो राइट आंसर है, जो राइट आंसर है वो है ए 4, जो है स्टेज इन्होंने इसकी बताई थी जिसमें कि ये पूरी प्रक्रिया जो है संज्ञानात्मक विकास की संपन्न होती है। अब संज्ञानात्मक विकास क्या होती है पहले ये जानिए। जो बालकों का जो किसी संवेदी का या सूचना का ग्रहण करने का तथा उस पर चिंतन एवं करने की जो प्रक्रिया है, वो डेवलप होने की जो प्रक्रिया होती है बच्चे में, उसी को संज्ञानात्मक विकास बोलते हैं। ठीक है, वो संवेदना जो उसमें विकसित हो रही है या जो प्रतिमा बनाने की, किसी आकृति का जो है शेप बनाने की या कोई धारणा बनाने की, ये सारी चीज़ें एक बच्चे में जब डेवलप होती हैं तो उसी से रिलेटेड संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे के द्वारा दिया गया, जिसके 4 जो है अवस्थाएं थी। ठीक है, तो बाकी सारे ऑप्शंस गलत हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, बुद्धि परीक्षण के जनक माना जाता है कि बुद्धि की परीक्षण की जाती है वो किसके द्वारा जो है दिया गया। ठीक है, ऑप्शन है अल्फ्रेड बिने, गार्डनर, थॉर्नडाइक, वैगोट्स्की। बुद्धि परीक्षण के जनक किसे माना जाता है, राइट आंसर बताइए कौन सा होगा। चलिए इसका जो राइट आंसर होगा अल्फ्रेड वीने होगा। अल्फ्रेड वीने ने जो है 1905 में, ठीक है, पेरिस में, मतलब तो जो फ्रांस की राजधानी है पेरिस में, विश्व का पहला जो है बुद्धि परीक्षण किया था 1905 में, पेरिस में किया था। ठीक है, इसलिए इन्हें जो है बुद्धि परीक्षण का जनक माना जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिभाशाली बच्चों का आईक्यू कितना होता है, ठीक है, आपके ऑप्शन है 111 से 120 के बीच, 81 से 90 के बीच, 121 से 130 के बीच, या 130 प्लस। क्या लगता है आपको इसमें से कौन सा राइट आंसर है। चलिए बता बताऊं आंसर। ठीक है, चलिए इसका जो राइट आंसर है वो है 130 प्लस। ठीक है, 130 प्लस भी मिलता है, 140 भी मिलता है, कहीं पे 140 प्लस भी दिखेगा आपको, तो 130 से अगर प्लस में जो भी ऑप्शन है, या 130 है, ठीक है, 130 प्लस जहाँ भी ऑप्शन है, 131 या 132 है, 140 है, जो भी है, तो ये प्रतिभाशाली बच्चों का जो है लक्षण है। ठीक है, 121 से 130 क्या है, 121 से 130 प्रखर बुद्धि के बच्चों का है। ठीक है, 81 से 90 जो है मंद बुद्धि का है, याद रखिएगा। ठीक है, 111 प्लस, 111 से 120 तीव्र बुद्धि के बच्चों। ठीक है, और सामान्य बुद्धि का अगर आता है कहीं पे तो 91 से लेके 110 के बीच में होगा सामान्य। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, मनोविश्लेषण का सिद्धांत किसने दिया, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बताइए राइट आंसर कौन सा होगा। कैटल, सिगमंड फ्रॉयड, हेनरी मुरे, सेल्डन। चलिए इसका जो राइट आंसर है सिगमंड फ्रॉयड है। कैटेल ने जो है ये विशेषक सिद्धांत दिया था। एक विशेषक सिद्धांत होता है जो व्यक्तित्व से रिलेटेड सिद्धांत है, उसमें एक विशेषक सिद्धांत भी है, उसको जो है कैटेल ने दिया है, और सिगमंड फ्रॉयड ने दिया है मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत। हेनरी मुरे ने जो है मांग का सिद्धांत दिया है।
ये सब व्यक्तित्व से संबंधित, जो इंसान का व्यक्तित्व होता है, पर्सनालिटी होता है, उससे रिलेटेड जो थ्योरीज हैं उसका जो है ये सब पार्ट हैं। और सैल्डन ने जो है शारीरिक सिद्धांत दिया था। तो इससे टोटल हमने कितने क्वेश्चन कर लिए, चार, एक तरह से चार क्वेश्चन हो गए एक साथ। तो याद रखना है कि विशेषक सिद्धांत, मांग का सिद्धांत और शारीरिक सिद्धांत अलग अलग विद्वानों ने दिया है, तो वो सभी हमने डिस्कशन कर लिया कि किसने कौन सा सिद्धांत दिया। पांच हो गए, छह देखिए, प्रोत्साहन का सिद्धांत किसने दिया। पहला ऑप्शन है सिगमंड फ्रॉयड, मैक डूगल, मैस्लो, डी है कॉलमैन। प्रोत्साहन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, प्रोत्साहित करने का एक तरह से तरीका है प्रोत्साहित करने का। तो ये सिद्धांत किस विद्वान के द्वारा दिया गया, ठीक है। चलिए राइट आंसर बताऊं, इसका राइट आंसर है कॉलमैन। देखिए कॉलमैन ने ये सिद्धांत दिया है, तो मैस्लो ने कौन सा सिद्धांत दिया, मैस्लो ने आवश्यकता का सिद्धांत दिया है, ठीक है। और उसके अलावा जो अगर बात करें तो मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियों का, जो मूल प्रवृत्ति होता है, जो आपका बेसिक नेचर है, मूल प्रवृत्ति उसी को बोलते हैं, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत मैकडूगल ने दिया। सिगमंड फ्रॉयड तो आपको पता ही है कि मनोविश्लेषण का सिद्धांत सिगमंड फ्रॉयड ने दिया। सिगमंड फ्रॉयड से जनरली बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको याद रखिएगा। मैं साथ के साथ जो उसके ऑप्शंस हैं, उन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया, ये भी आपको बता दे रहा हूँ, ताकि जो क्वेश्चंस हो गया होगा, अगर कुछ नया ट्विस्ट होगा या कुछ नया बनाया उन्होंने, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संवेग कितने प्रकार के होते हैं, इसके राइट ऑप्शंस हैं 12, 14, 18 और 07, ठीक है। राइट आंसर बताइए, राइट आंसर बी अर्थात 14, 14 इसका राइट आंसर है। देखिए संवेग जो आपके द्वारा जो है नेचर, आपके जो नेचर है, जो आपकी रियलिटी है, आप कौन कौन से भाव आपके मन में आते हैं उससे रिलेटेड होता है, ठीक है। तो ये डेवलप होता है धीरे धीरे, जो है बालकाल से ही हमारे अंदर ये चीज़ें डेवलप होती जाती है। तो इसमें जो 14 संवेग होते हैं, उसमें अगर हम बात करें कि कौन कौन सा होता है, तो जैसे भय है, घृणा है, आश्चर्य है, दुख है, आत्माभिमान है, भूख है, क्रोध है, वात्सल्य है, वात्सल्य मतलब प्रेम भाव, जो एक वात्सल्य का प्रेम भाव मुख्यतः जो है एक प्रमुख संवेग है। उसके अलावा जो है अधिकार भावना है, कामुकता है, आत्महीनता है, कृति भाव है, एकाकीपन है, आमोद है। तो ये सब जो है प्रमुख संवेग के प्रकार हैं। तो कुल 14 प्रकार का संवेग होता है, ठीक है। आठ नंबर देखिए, व्यवहारवाद के प्रतिपादक कौन है, ठीक है। चलिए बताइए, थॉर्नडाइक, वांडूरा, वाटसन, कोहलर, राइट आंसर कौन सा होगा इसमें से, आठ नंबर क्वेश्चन। चलिए इसका जो राइट आंसर है सी है वाटसन। थॉर्नडाइक ने जो है संबंधवाद दिया है, ठीक है, संबंधवाद का सिद्धांत, ठीक है। उसके अलावा जो है कोहलर ने जो है अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत दिया है, अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत दिया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें, नौ नंबर देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, आपको पता ही होगा। यशपाल समिति का गठन जो है कब किया गया था, बताइए राइट आंसर कौन सा होगा, 1968, 1992, 1978, 2002।
चलिए, ये समिति जो है 1992 में गठित की गई थी, ये मुख्यतः किस चीज़ पर आधारित है? अगर मान लीजिए आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले कि ये सिद्धांत जो ये सॉरी ये समिति जो है किस विषय पे गठित की गई थी, तो ये बच्चों का जो बस्ता होता है, जो वो स्कूल लेकर जाते हैं किताब, उसकी जो बोझ है उसे कम करने के संदर्भ में 1992 में जो है ये गठित की गई थी। अगर इसके अलावा अगर कुछ सिद्धांतों की हम बात करें, तो जैसे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है, वो 1987 में गठित हुई थी, ठीक है। जो प्राथमिक विद्यालय में भौतिक सुविधाएं हैं उससे रिलेटेड जो है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है योजना शुरू की गई थी। मिड डे मील कब शुरू हुई थी बताइए? मिड डे मील जो है 1995 में शुरू हुई थी, ठीक है। तो जो भी उससे सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू हुई थी, तो वो 2000 ईस्वी में शुरू हुई थी सर्व शिक्षा अभियान। तो अदर भी आप याद रखें साथ के साथ, जो मान लीजिए कि क्वेश्चन ट्विस्ट आ जाए, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब था? 1987 में। 1995 में क्या था? तो मिड डे मील योजना, सर्व शिक्षा अभियान 2000 ईस्वी, ठीक है। तो ये सब भी याद रखिएगा, इसलिए हम इस पर डिस्कशन भी कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि क्वेश्चन ट्विस्ट करके आपसे पूछ ले। 10 नंबर देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार एग्जाम्स में पूछता है। शिक्षा के अधिकार के अधिनियम के अंतर्गत कौन सा संवैधानिक संशोधन किया गया? 72वां, 68वां, 86वां या 92वां, मतलब कि 72, 68, 86, 92, इसमें से कौन सा संवैधानिक संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया राइट टू एजुकेशन के लिए, RTE, ठीक है। बताइए कौन सा राइट आंसर होगा? चलिए, इसका जो राइट आंसर है सी है, 86। 86वां जो है संवैधानिक संशोधन इसके लिए किया गया था, और इसे किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो 21A के अंतर्गत जो है इसको शिक्षा के अधिकार को दिया गया है, ठीक है। ये कब पारित हुआ था? तो ये 2009 में 4 अगस्त को पारित हुआ था। अब इतना याद नहीं रखना है, लेकिन 2009 भी अगर आप याद रखते हैं तो आपका काम चल जाएगा। 4 अगस्त 2009 को ये पारित हुआ था, ठीक है। और 6 से 14 साल के तक के बच्चों को जो है, जो फ्री एजुकेशन है, प्रारंभिक शिक्षा है, वो जो है दिलाने के लिए एक तरह का ये मौलिक अधिकार बना दिया गया और पूरे देश में लागू किया गया, ठीक है। चलिए, जो इससे 3-4 क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी मैंने बता दिया। एक और क्वेश्चन इसी से रिलेटेड आगे है, उसको देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत शिक्षा के खर्च में केंद्र और राज्य कितना खर्च वहन करेगी, मतलब दोनों का रेशियो क्या होगा, कौन कितना पैसा खर्च करेगा एक जो इस अधिनियम के द्वारा जो है शिक्षा के खर्च में। पहला ऑप्शन है 65-35 रेशियो है ये, 65 अगर केंद्र करेगी तो 35 राज्य करेगी, ठीक है। यहाँ पे दो चीज़ें, केंद्र और राज्य, ठीक है। तो उसी अनुपात में यहाँ पे रेशियो दिया गया है, मतलब अनुपात दिया गया है या रेशियो दिया गया, दोनों सेम बात है। 50-50 दोनों करेगी, एक केंद्र 80%, राज्य 20%, केंद्र 90, राज्य 10%। बताइए, काफ़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है ये, अच्छी क्वेश्चन है ये। बताइए राइट आंसर क्या होगा? चलिए, इसका राइट आंसर ए होगा। शिक्षा के अधिकार के संदर्भ में डिटेल हमने अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी किया था, उससे रिलेटेड जो जो चीज़ें थी, जैसे कि 86वां संविधान संशोधन 21A अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए 2009 में यह पारित हुआ, ये सारे विषय पे हम लोग बात कर चुके हैं। क्योंकि अगर क्वेश्चन मान लीजिए इनमें से ही कोई पूछ दे आपसे, पूछ दे कि ये जो मौलिक अधिकार है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया, तो 21A के हमको याद रहना चाहिए और वहाँ पे ये हो सकता है। भाग 3 में रखा गया है, जो मौलिक अधिकार का हिस्सा है भाग 3 हमारे संविधान में, तो उसके अंतर्गत ही इसे रखा गया, ठीक है। और 6 से 14 साल तक के बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन की बात की गई है, और 2009 में अगस्त महीने में ये पारित हुई थी, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न देखिए। वैयक्तिक भिन्नता पर सर्वप्रथम किस विद्वान ने प्रकाश डाला? आपके लिए ऑप्शन है पियाजे, वाटसन, वुडवर्थ, गाल्टर। बताइए राइट आंसर क्या होना चाहिए? वैयक्तिक भिन्नता का मतलब है कि हर व्यक्ति में जो भिन्नता है,
हर व्यक्ति में अलग अलग तरह की भिन्नता है, बुद्धि है या रुचि है, क्षमता है, अभिप्रेरणा है, जीवन मूल्य है, आत्मसम्मान है, सृजनात्मकता है, शैक्षिक गुण है, शारीरिक गुण है, सहन शक्ति है। ये सारी जो है व्यक्तिगत भिन्नता के क्षेत्र हैं, आधार हैं। तो इस पे जो है किस विद्वान ने सर्वप्रथम प्रकाश डाला था, तो ये गाल्टर के द्वारा दिया गया, डी जो है इसका राइट आंसर है। अब हम बात करते हैं जैसे व्यक्तिगत भिन्नता होती क्या, तो व्यक्तिगत भिन्नता का अंतर है कि दो एक व्यक्तियों के बीच जो है अलग अलग तरह की भिन्नताएं होती है। जैसे वो रंग रूप पे हो सकता है, रंग रूप हो सकता है, शारीरिक गुणों पे हो सकता है, बुद्धि पे हो सकता है, रुचि पे जो आपका इंटरेस्ट है। जैसे हर दो व्यक्ति का अगर आप तुलना करेंगे तो बहुत सारे आधारों पे, स्वभाव पे हो सकता है कि भिन्नता हो सकती है, ठीक है। इस तरह के जो है गुण जो है हर किसी में अलग अलग तरह की पाई जाती है, तो वही व्यक्तिगत भिन्नता का आधार है जो गाल्टर के द्वारा जो है 1869 में जो है ये चीज़ इस पे प्रकाश डाला गया था सर्वप्रथम, ठीक है। तो इसका जो है आधार उन्होंने तीन बताया कि जो है संज्ञानात्मक क्षेत्र के आधार पे, भावात्मक क्षेत्र के आधार पे और मनोपेशीय क्षेत्र के आधार पे, ठीक है। तो इसी को जो है ये डिस्क्राइब किया है इन्होंने इस पूरे सिद्धांत में, और उसी के आधार पे जो है भिन्नता को, आधारों को जो है उन्होंने चर्चा किया, उसके बारे में पूरा डिटेल बताया, ठीक है। चलिए आज जो है इस टेस्ट में इतना ही क्वेश्चंस रहेगा, फिर हम अगला टेस्ट जो है इसके बाद वाला जो है हम जनरल अवेयरनेस पे रखेंगे, ताकि जो है आपको वहाँ से भी जो है कुछ बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो है आपको मिले, ताकि जनरल अवेयरनेस का सेक्शन भी साथ के साथ तैयार होता रहे। और थोड़ा सा थोड़ी चीज़ें जब चेंज होती है ना तो पढ़ाई की रुचि बनी रहती है, और अच्छा लगातार साइकोलॉजी कर रहे हैं तो थोड़ा सा आदमी बोर होने लगता है। तो अगला जो है हम जनरल अवेयरनेस से करेंगे, लगभग 20 के आसपास, 15 या 20 क्वेश्चन रखेंगे, और 20 नहीं होगा वो 60 के बराबर होगा। हम उसमें जो डिस्क्रिप्शंस होगी या चीज़ें जैसे जुड़ी हुई होगी, जैसे आज ही हमने ये 12 किया, तो दरअसल ये 12 नहीं था, ये 50-60 के अराउंड क्वेश्चन था, क्योंकि हमने जहाँ जहाँ पे उससे रिलेटेड चीज़ें थी तो उस पर भी हमने डिस्कशन की। जैसे हम शिक्षा का अधिकार बात करें तो उस पर हमने 5-6 कम से कम क्वेश्चन जो है एक्स्ट्रा जो बन सकते थे या जो उससे रिलेटेड चीज़ें हैं उसे भी हमने जाना है। तो वही चीज़ें हैं कि उसके लिए हम मैं एक एक छोटे छोटे क्वेश्चन बनाऊँ, उससे ज़्यादा बेहतर है कि क्वेश्चन कम रहे लेकिन डिस्क्रिप्शन बहुत ज़्यादा रहे, ताकि नई चीज़ें जो है उससे जुड़ती रहे। तो वो 15 या 20 रहेंगे तो 15-20 नहीं, उसे 70-80 के बराबर आप मान के चलिएगा, ठीक है। जैसे ये 12 नहीं हो के 60-70 के बराबर था, 3-4 तो हर क्वेश्चन में लगभग छुपे हुए थे, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है, नमस्कार।